अरे मतलब साला जोड़ देना होता है, ठीक है, हम याद करने के लिए बताया, लिखने के लिए जो मेन थीम है वो क्या है, इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, एक बार बॉडी अपने से लगा लेना है और लास्ट में जो है वो जैसे पूजा होता है तो लास्ट में स्वाद कोई बोल देता है, कथा में कहीं क्या आता है प्रसादी खाने को सबसे पहले पहुंच जाएगा उसका बाद लास्ट में स्वाद, कुछ कुछ लगता तो ऐसा होता है कुछ हल्के पंडित गिरते हैं पहुंच जाएगा खाने का स्वाद वही बात है, पूरा समझ नहीं आएगा लेकिन पूरा सुन लेगा सब कुछ कर लेगा लेकिन लास्ट में सुनता जाएगा बहुत तो क्वेश्चन होता है कान में लगा लेगा मतलब ठंडा के लगे लोग मान लेगा गाना सुनते रहेगा जब देखेगा कि सब स्वाहा बोला तो वो बड़का चीज के आगे स्वाहा बोलेगा जैसे तुम लोग झगड़ा टाइप गुड मॉर्निंग आप थैंक यू बोलता है नहीं बोलता है मॉर्निंग में कौन सा मतलब आराम से टीचर आ गया प्योर झगड़ा टाइप गुड मॉर्निंग बोलता है कस के वैसे तो चीज पॉइंट तो हर किसी में आता है जिसको नहीं भी याद आएगा उससे पूछिए इंग्लिश में स्पीक तो बोलेगा शुरू बोला तो याद नहीं है लास्ट तक तीन मिनट याद है बोलते हैं इस पॉइंट में फॉर्म हो सकते हैं अपने से लिख लेगा ना तुम लोग ठीक है पहला सुनो केयर में कैसे लिखना है इसको ये बात नहीं हो केयर में कौन से लिखना है और केयर में हम एक बता दे रहे हैं कैसे लिखना है मान लो लिखेंगे इंग्लिश फॉर्म स्पीड पहले तो चले जाएंगे फ्लैशबैक में क्या आएगा स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम इसका मतलब क्या लगा लेना है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम स्पीड ऑफ बॉडी इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल जैसे यूनिफॉर्म स्पीड हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया वैसे ही आएगा एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा और एवरेज एवरेज देखेंगे नेक्स्ट में क्या बोला लाफिंग गैस से बहुत हो जाता है मानना सही बात बता रहे हैं लाफिंग गैस से बहुत पहले एक क्लास में एक साथ था स्टोरी नेक्स्ट क्लास में एवरेज और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो यही सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राफ के आज आप देखो तो फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे थे सुनो नहीं बोलेगा बहुत अच्छा कमेंट।